मैं मोहम्मद रिजवान, मेरे यूट्यूब चैनल खान फैब्रिकेशन में एक बार फिर सब लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि स्टीयर पे जो रेलिंग लगती है एमएस की या स्टेनलेस स्टील की, और अगर स्टीयर में जगह कम है यानी हमारा जीने का जो चौड़ाई कम है, जैसे मान के चलिए हमारा जीना है ये 34 इंची का, जीना 34 इंच का आ रहा है, और अगर हम यहाँ पर बीच में रेलिंग इस पर इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारी जो है इस जीने की जगह जो है कम हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ बाहर से इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ से। तो वहाँ से इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे, क्या तो फिर हम यहीं पे लगाएंगे तो हमारी जो है रेलिंग सही बैठेगी, या फिर हम इसकी माप लेके जाएंगे शॉप पे बनाएंगे। तो आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि शॉप पे नाप लेके शॉप पे कैसे बनाएं, इसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो एक मैंने देखिए काटकोना बनाया हुआ है, वो भी पत्ती का, ये चलता है, तो इसकी मदद से हम शॉप पे बनाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको जो है और एक मेरी वाटर लेवल किधर गई, और ये वाटर लेवल इसकी मदद से हम शॉप पे बनाएंगे और एग्जैक्ट आगे यहाँ पे बैठ जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये चैन जीना बना हुआ है इसको बोलते हैं, तो इसको हम, ये मेरा काट कोना है और हमको इस पे इंस्टॉल करना है और इस पे हम फास्टन लगा के इंस्टॉल करेंगे। तो इसको हम कैसे मापेंगे कि हमारी रेलिंग एकदम सीधी लगे, ऐसे ना हो या ऐसे ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए पहले हम ये कोना जो है ये हमारा सेंटर, इसका ये सेंटर जाएगा, अब ऐसे इसका सेंटर सीधा चला जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसको पहले हम जो है वाटर लेवल में इसको हम सीधा खड़ा करेंगे, इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। तो ये तो हमारा डिग्री हो गया, बस अब इसको सेम ऐसे ही ले जाके दुकान पे हम लोग शॉप पे बना देंगे। और इसके अंदर और एक ख़ास तरीके से इंस्टॉल होगी, अगर हमें मापने में थोड़ी दिक्कत आ रही है आगे पीछे, तो पहले इसके ऊपर यहाँ से वहाँ एक डोरा पटक लेंगे सीधी लाइन में, इसके बाद हम इसको माप लेंगे। और ये देखिए हमारा वाटर लेवल में आ गया, और ये हमारा जो है पिलर यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, हमारी रेलिंग सीधी चली जाएगी। इसको हम यहाँ से ऐसा करके बाहर से इसको यहाँ पे फास्टनर करके इंस्टॉल कर देंगे। इस तरीके से इसकी माप लिया जाता है और इसकी जो भी रेलिंग बनाने का पूरा प्रोसेस है, चलिए शॉप पे दिखाते हैं किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। और यहाँ पर जो है टॉप पे एक हम 3 इंची का स्टेनलेस स्टील 304 का जो है टॉप डाल रहे हैं, पिलर डाल रहे हैं, बाकी पाइप डाले हैं। चलो फ्रेंड देखिए ये मेरी जो है रेलिंग कंप्लीट हो चुकी है, और जैसे कि मैंने बताया था कि जो हम लोग जिससे मार्किंग किए थे और जिसकी वजह से मदद से हम लोगों ने बनाया था, ये देखिए काटकोना, तो काटकोना मैंने यहाँ पे सेट किया है, ये देखिए काटकोना हमारा यहाँ पे पूरा सेट हो जाएगा ये। और अगर आप काटकोने की मदद से बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी जाएगी बन जाएगी। और यहाँ पे हम लोग खड़ी करके इसको फास्टनर लगा देंगे कुछ इस तरीके से आई है, और जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको मैंने 9-9 इंच पे गेप दिया है, उसने कहा कि 9-9 इंच पे रखो, तो देखिए 9-9 इंच पे इसका गेप आ रहा है, कुछ इस तरीके से हमारी रेलिंग ये लगेगी, इस तरीके से रेलिंग हमारी जो है लगेगी।